वेलकम टू सुपर फास्ट इंग्लिश एकेडमी दोस्तों। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको एक एंटोनिम्स भी बताने वाला हूँ, इसके साथ ही साथ आपको कुछ नए नए कॉन्सेप्ट भी आज आपको देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर बात करते हैं, देखो एफेमेरल। देखो एफेमेरल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझो। इसका मतलब एक तरह से मैं क्या बोलूँ, ट्रांजिटरी, यानी कि कोई थोड़ा सा किसी क्षण के लिए, यू नो अ शॉर्ट मोमेंट। सो आई कैन से लाइक दिस, एंड इफ यू टॉक अबाउट एफेमेरल देन यू विल हैव टू जस्ट फाइंड आउट व्हाट इज द अपोजिट, ठीक है, ऑफ दिस वर्ड एफेमेरल। एंड इफ यू हैव लर्न ऑल दिस वर्ड्स देन ईजली यू कैन फाइंड आउट वॉट इज द अपोजिट देन आई ए ऑप्शन, दिस इज द अपोजिट ऑफ दिस वर्ड एफेमेरल, यू नो इंटरनल। इंटरनल अब जस्ट नाउ यू विल आस्क मी वॉट इज द मीनिंग ऑफ इटर्नल। इटर्नल आई कैन से एवर लास्टिंग, इसका मतलब होता है कि एवर लास्टिंग एक तो होता है कुछ क्षण के लिए, कुछ मोमेंट के लिए, यू नो दैट इज अ ट्रांजिटरी। But I will talk about, you know, eternal. So eternal, you know, everlasting, I can say easily. So that everlasting मतलब eternal. ये internal नहीं है ना, आंतरिक जिसे हम बोलते हैं internal, वो चीज़ नहीं, ये eternal। देखो eternal, eternal. चलो move on next word. चलो इसकी spellings भी discuss कर लेते हैं। Transitory का मतलब वही होता है क्षणिक, यानी छोटे से किसी moment के लिए। एंड mortal, mortal ए नॉर्मल वर्ड है इसका, यू नो कोई भी व्यक्ति, सो देयर इज अ पर्सन हु इज जस्ट गोइंग टू बी डाई, जो मरने वाला है उसे बोलते हैं, यू नो mortal, mortal, मरणशील। और एक होता है temporal, temporal वर्ड इज यू नो वेरी यूनिक वर्ड, temporal, यू नो कोई भी हो, एक समय से संबंधित, टाइम से रिलेटेड वर्ड है temporal, तो आपसे चेक कर सकते हैं temporal, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा latent, latent की बात करते हैं तो इसका आपको मीनिंग याद होगा तो कर सकते हैं। latent का मतलब है होता है कि inactive, यू नो आई कैन से और भी बोल सकते हैं, unused भी बोल सकते हैं, inactive भी बोलते हैं, यू नो उसे बोलते हैं। तो ये वर्ड आपको याद है latent, latent का मतलब कोई चीज़ गुप्त हो, inactive हो, active होगा तभी तो वो आपके सामने दिखाई देगा, जब वो inactive है तो इसका मतलब कोई चीज़ वो गुप्त है, छुपी हुई रखी है। तो लेकिन हमको इसका उल्टा चाहिए, ठीक है, तो उल्टा क्या होगा वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो उल्टा हो जाएगा OBVS, यानी इसका जो डी ऑप्शन है OBVIOUS, तो OBVS इसका उल्टा हो जाएगा, और इसका मतलब होता है ईजिली परसीव्ड और अंडरस्टूड, यानी ऐसी कोई चीज़ जो बहुत जल्दी समझी जा सके आसानी से, और जिसे परसीव का मतलब होता है किसी बात पर, यू नो किसी बात को मान लेना, है ना, किसी बात को अच्छी तरह से समझना। और एक होता है कंसीव, कंसीव का मतलब किसी योजना के बारे में सोचना, ये होता है। परसीव का मतलब किसी बात को समझना, और कंसीव का मतलब किसी योजना या फिर कोई भी आप रणनीति बता रहे हैं उसके बारे में सोचना, तो ये इसमें बेसिकली फ़र्क होता है, ठीक है। तो लेटेंट, लेटेंट का मैंने बता दिया आपको, लेटेंट का मतलब होता है इनएक्टिव एंड अनयूज्ड, इसका उल्टा क्या हो जाएगा ईजली परसीव्ड एंड ठीक है अनस्टूड, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसका हो जाएगा OBVS। अब देखो लेटर का पता, लेटर का मतलब कुछ समय के बाद, लेटर। एंड इम्प्लीसिट, देखो इम्प्लीसिट का मतलब बताता हूँ, इम्प्लीसिट का मतलब होता है कि ना सजेस्टेड दो नॉट डायरेक्टली एक्सप्रेस्ड, किसी भी चीज़ को हम सजेस्ट करते हैं वो, लेकिन हम डायरेक्टली नहीं, किसी को डायरेक्टली एक्सप्रेस नहीं करते अपनी बातों को, बस सजेस्ट कर देते हैं, तो उसे बोलते हैं, यू नो मैं बोल सकता हूँ इसे नॉट क्लियर, अस्पष्ट बोल सकते हैं, इम्प्लीसिट का मतलब नॉट क्लियर। चलो अब हम आगे बात कर लेते हैं मोनोटोनस, ये तो सबको पता होगा, ये वाला वर्ड बहुत नॉर्मल वर्ड है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है ओबाऊ, आपको पता होगा, जो आपको अच्छा नहीं लगे, मतलब जिस भी सॉन्ग को आप पसंद नहीं करते और वही बार बार आपके सामने सुनाया जा रहा है आपको, तो ये क्या हो जाएगा मोनोटोनस हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका उल्टा हो जाएगा, मोनोटोनस का मतलब होता है जो आपको अच्छा ना लगे, उल्टा क्या हो जाएगा इंटरेस्टिंग, जो आपको अच्छा लगे, इंटरेस्ट बने उसमें, ठीक है। अच्छा ये देखो डिजास्ट्रस, डिजास्ट्रस का मतलब आपको पता होगा, डिजास्टर आ गया, ठीक है, डिजास्टर टीम भी होती है नेवी के अंदर, तो डिजास्टर टीम। अच्छा यहाँ पर देखो ये होता है विनाशकारी, क्योंकि डिजास्टर से ही बनाए डिजास्ट्रस, यानी विनाशकारी, जो विनाश, आपको पता केरल के अंदर कितना ज़्यादा यू नो फ्लड आ चुका है, तो ये सब यू नो डिजास्टर के अंदर आता है। इसके बात करते हैं देखो टेरिफाइंग, टेरिफाइंग अच्छा वर्ड है, यानी कि यू नो भयभीत करने वाला। अब देखो वहाँ पर इतनी ज़्यादा बाढ़ आ रही है कि एकदम वो क्या कर रही है, हम लोगों को टेरिफाई कर रही है, यानी कि हमको डरा रही है, भयभीत कर रही है, ठीक है। अच्छा टेरिबल का मतलब, टेरिबल तो पता है, यानी कोई भी चीज़ भयानक। तो ये सब एक दूसरे, क्योंकि इनका सबका एक जैसा मीनिंग होगा और इसका अलग होगा थोड़ा सा, तभी तो ये मोनोटोनस का ये बन जाएगा। अच्छा देखो ऑब्सीन, ये तो बहुत गंदा वर्ड है, ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, अभद्र, अश्लील होता है, ठीक है ऑब्सीन का मतलब। लेकिन
हमको क्या चाहिए, इसका एकदम प्योर वर्ड चाहिए यानी उल्टा चाहिए। तो सोचो ऑप्शन का उल्टा क्या हो जाएगा, ऑप्शन का बोल सकते हैं डिसेंट, डिसेंटली, ये तो वर्ड आपको पता है ना, डिसेंट का मतलब क्या होता है, जो अच्छा लगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर जो वर्ड दे रखा है वो ऑप्शन है, और ऑप्शन का मतलब तो पता होगा बहुत अश्लील को बोलते हैं। अच्छा कॉशियस का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कॉशियस है यानी कि एकदम सचेत है, कॉशियस है, ठीक है। तो ये वर्ड नोट करते जाइए अगर नोट नहीं है आपको, ठीक है। आगे देखो फ्लरिश, अच्छा देखो फ्लरिश का मतलब होता है आप पेड़ पौधों को पानी देते हैं ताकि वो फ्लरिश करते हैं, ठीक है। तो स्थिति में किसी कोई स्थिति कोई कंडीशन है उसमें कि अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, पानी देकर के पौधे को क्या बड़ा कर रहे हैं, तो फ्लरिश कर रहे हैं। लेकिन हमें इसका क्या चाहिए, उल्टा चाहिए, तो इसका हो जाएगा डी जेनरेट। जेनरेट का मतलब किसी चीज़ को उत्पत्ति करना, लेकिन इसका उल्टा क्या होता है, डी जेनरेट। अच्छा डिसमिस का मतलब, ठीक है, तो ये नॉर्मल है डिसमिस। अच्छा पेरिस का वर्ड होता था, देखो पेरिस का मतलब क्या होता है यानी कि डाई, यू नो, मर जाना। अगर आप पेड़ पौधे में पानी नहीं दोगे, ठीक है, आप सोच रहे कि मैं फ्लरिश कर रहा हूँ इसको पानी, जब तक आप फ्लरिश नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, यानी कि एकदम मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, पैरिश हो जाएगा, ठीक है। आगे तो डिके, और डिके ये वर्ड मतलब होता है यू नो कोई भी चीज़ हो जो जो धीरे 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 यानी कि स्लोली टाइम में, एकदम ग्रेजुअली टाइम में क्या होता है, वो एकदम खत्म हो जाती है, एंड हो जाता है उसका, तो उसे बोलते हैं डिके। जैसे मान लीजिए अगर आप पेड़ पौधे में किसी में पानी नहीं दोगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे छोटा पौधा जो होगा वो धीरे 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 मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो पैरिश का मतलब खत्म, और डिके का मतलब धीरे धीरे किसी चीज़ का अंत होना, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरा बता दिया। इसके बाद देखो देखो कॉन्फर्म, कॉन्फर्म ये कन्फर्म नहीं है, ये कॉन्फर्म है। कॉन्फर्म का मतलब क्या होता है, ठीक है, मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग होना, उसे बोलते हैं कॉन्फर्म। तो लेकिन हमको इसका अपोजिट चाहिए, तो सोच के आप थोड़ा भी सोचा करो क्या आपका जवाब है, किसी भी चीज़ के यू नो अकॉर्डिंग होना, उसके अनुसार होना, तो इसका हो जाएगा डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, डिफर का मतलब एक तरह से अलग होना, किसी के अनुसार न होना, उसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लो अगर याद नहीं है तो। तो ये सारे वर्ड आप जो है एक तरफ से नोट करते जाइए ताकि ये आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। और रिजेक्ट का मतलब पता है आपको, रिजेक्ट कर दिया कोई चीज़, कैंसिल कर देना, इग्नोर कर देना, ठीक है, इग्नोर कर देते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आपके सपोज़ करिए आपने, आपके फ्रेंड ने आपको कॉल किया, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आपने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, उन्होंने बोला कि नहीं मैं अभी नीचे वेट कर रहा हूँ, और आप ऐसा करिए आ जाओ थोड़ा कहीं घूमने फिरने चलते हैं, तो आपने क्या किया कि उनकी बात को इग्नोर कर दिया, नहीं यार मैं नहीं जा रहा, मैं तो पढ़ने, मैं पढ़ रहा हूँ, या फिर मेरे पेरेंट्स कुछ काम के लिए बोल रहे हैं, तो वो इग्नोर कर दिया। अच्छा क्वेश्चन, ये तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबमिट, इस आप सोच रहे होंगे बहुत सारे बच्चे सबमिट लेकर आए, नहीं सबमिट नहीं है, सबमिट का मतलब तो पता होगा, किसी चीज़ को सबमिट कर देते हैं, जैसे फॉर्म वगैरह फिल करते हैं सबमिट, लेकिन ये क्या है, सबमिट, SUMMIT, स्पेलिंग चेक कर लो, सबमिट। सबमिट का मतलब होता है जैसे मान लो ये जैसे मान लीजिए मैं आपको बताता हूँ, ये एक पोल है, अब ये पोल का जो ऊपरी हिस्सा होता है, ऊपरी बिंदु, उसे बोलते हैं सबमिट, क्या बोलते हैं, सबमिट। और जो लेकिन हमें इसका उल्टा चाहिए, तो उल्टा क्या हो जाएगा, बॉटम, तो इसका जो डी ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। ये होता है समिट, और इसका जो डी यानी कि जी होता है बॉटम, नीचे वाला हिस्सा, ठीक है। तो अच्छा बे, एंड का मतलब, जैसे मान लो ये एंड हो गया, लास्ट भी यही हो गया, बेस इसका नीचे वाला, लेकिन हम यहाँ पर समिट का जो उल्टा हो जाएगा वो बॉटम होगा, ना कि बेस। आगे देखो ऑब्सक्योर, अच्छा ऑब्सक्योर के बारे में देखो, ऑब्सक्योर का मतलब होता है जैसे क्या बताऊँ मैं आपको, जैसे मान लो कोई अंधेरा इलाका है ना, अब उसके अंदर क्या होगा कि लाइट चलेगी थोड़ी बहुत, कहीं पर कहीं से थोड़ी बहुत लाइट आ रही है किसी घर से, तो क्या हो जाएगा, एकदम धुंधला हो जाएगा, उसे बोलते हैं, ठीक है। ऑब्सक्योर का मतलब क्या होता है, धुंधला हो जाना, धुंध मतलब अंधेरा अंधेरा छा जाना, उसे बोलते हैं ऑब्सक्योर। लेकिन हमको इसका चाहिए अपोजिट, सोचो क्या होगा, थोड़ा फास्ट सोचो यार। ऑब्सक्योर का मतलब जो आपको दिखाई ना दे, क्लियर नहीं है, जैसे मान लो आप, जैसे आपने देखा है ना हमारे ग्रैंडफादर वगैरह, उनकी आईज बहुत, आई शेड बहुत ज़्यादा वीक होती है, तो उनको न्यूज़पेपर पढ़वाओ या फिर कोई भी न्यूज़लेटर पढ़वाओ तो उन पर नहीं पढ़ा जाता है, तो वो बोलते हैं ना ये ऑब्सक्योर है यार, एकदम ऑब्सक्योर है, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा, आई एम नॉट एबल टू रीड व्हाट इज रिटन हियर, देन आई कैन से दैट इज अ ऑब्सक्योर। सो व्हाट इज द अपोजिट ऑफ दिस ऑब्सक्योर वर्ड, जस्ट टेल मी, यू नो, क्लियर, क्लियर होना मतलब एकदम साफ है, एकदम मामला एकदम क्लियर है, क्लियर का मतलब एकदम साफ है। अब जब कोई चीज़ साफ होगी, धुंधली नहीं होगी, तो आप आराम से देख सकते हैं इसका मतलब क्या हो गया, उसका उल्टा हो गया। ओपन, ब्राइट, फ्रैंक, योर सोनो। चलो अच्छा नेक्स्ट, एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब क्या होता है,
ELEGANT। देखो एलिगेंट का मतलब होता है कोई भी पर्सन जो कि यू नो बहुत अट्रैक्टिव है, यू नो वो बहुत अच्छा है, मतलब सभ्य है, लेकिन हमको इसका चाहिए उल्टा, तो सोचो इसका उल्टा क्या हो जाएगा। ठीक है, एलिगेंट का उल्टा क्या होता है, अगर आपने पढ़ा होगा, सारी वीडियोस आप देखते हैं तो आराम से इन पर टेक कर रहे होंगे, ये होता है क्रूड। क्रूड का मतलब क्या होता है, जो ऐसा भी हो जिसके अंदर मैनर नहीं हो, लैक ऑफ मैनर हो। ये बढ़ते देखो एफिशिएंट, तो एफिशिएंट पता है आपको, एंड एलोक्वेट ये भी है, देखो बताता हूँ मैं आपको। देखो ये होता है, ये अच्छा वर्ड है, ELOQUENT, ठीक है, एलोक्वेंट। तो एलोक्वेंट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति, यू नो देयर इज अ पर्सन हु इज वेरी स्ट्रांग टू स्पीक, ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एकदम स्ट्रांग है ना, एकदम मैं क्या बोलूँ, प्रभावशाली, उस पर खूब बुलवा लो। कहीं पर भी मान लो कोई कहीं पर स्पीच देना है और उसको बस खड़ा कर दो, उसे बोलो बोलो भाई, तो वो होता है एलोक्वेंट। मतलब एलोक्वेंट का मतलब होता है बहुत अच्छा बोलने वाला, बोलने में प्रभावशाली, उसे बोलते हैं। ठीक है, कॉय COY, तो यहाँ कैट नहीं है, कॉय। कॉय का मतलब होता है कि शाई फील जो करता हो, SHY, शाई का मतलब होता है शर्मीलापन, शाइनेस फील करता हो। कॉय का मतलब भी वो होता है शर्मीलापन, शर्मीला, संकोची किसी चीज़ में। ठीक है, क्रूड का मतलब गंदा, एलिसेंट तो इसका मैंने आपको बता दिया। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जो कि आपको याद करनी पड़ेंगी, अगर याद नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसके बाद देखिए, इसके बाद मैं आपको बता दूँ डिल्यूजन। अब सोचो इसका डिल्यूजन का मतलब क्या हो जाएगा। देखो डिल्यूजन का मतलब होता है अंधविश्वास, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा रियलिटी, और एक्सेप्टेंस फिक्शन। अच्छा देखो फिक्शन एक अच्छा है, फिक्शन बता देता हूँ। देखो फिक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ कल्पना की है आपने, वो एकदम रियल नहीं है, लेकिन क्या है वो, एक आपने कल्पना की है भाई। डिल्यूजन, इल्यूजन, मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। ये सिनोनिम साल से मैंने कम से कम 5-6 साल पहले याद किए थे, जब मैं नेवी की तैयारी कर रहा था तब के ये वर्ड मुझे याद है। यानी डिल्यूजन, इल्यूजन, मिसकंसेप्शन, फॉल्स बिलीफ, एक ही बार में रट्टा मारा था, तब से वो क्या बार बार रिपीट करता रहता हूँ, तो वही याद रहता है। तो डिल्यूजन का मतलब उल्टा क्या हो जाएगा, रियलिटी, जबकि अप्रीशियस एंड एक्सेप्टेंस एंड फिक्शन ये उसके शेम है, यानी कि इसका सिनोनिम्स है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ मैंने आपको बता रखी है। देखो अप्रीशियसन का मतलब होता है कोई भी चीज़, एक क्लियरिटी, क्लियरिटी द क्वालिटी, ठीक है, कंडीशन और फैक्ट ऑफ बींग एग्जैक्ट एंड यू नो एक्यूरेट, तो ये था अप्रीशियसनेस। एंड एक्सेप्टेंस ये तो पता है आपको। चलो इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट, ये आपके कॉन्सेप्ट है कुछ, इनको चलो जल्दी जल्दी बता देता हूँ मैं आपको।